आपके आसपास में जो ये खुला आकाश है यही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा तो सृष्टि की कण कण में मौजूद है, वो आपके भीतर भी है और प्रकृति की हर वस्तु में मौजूद है, वो हवा में भी है, वो आकाश में भी है। और जब वो हर जगह है तो आपको अपने भीतर उसका सहज ही बोध होने लगेगा और आप जानेंगे कि आपके आसपास में चारों तरफ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मौजूद है और आप भी उसी दिव्य ऊर्जा का एक अंश हैं। और ये बहुत खूबसूरत भाव होता है। मैंने घंटों बिताए हैं इस ध्यान में और खूब आनंद लूटा है। क्या खुली आंखों से ध्यान संभव है? आंखें बंद करके ध्यान करने से ये खुली आंखों वाला ध्यान कितना अलग है? आइए आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही अलग टॉपिक पर है, क्योंकि लोग बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आंखें बंद करते ही हमारे मन में तरह तरह के विचार चलने लगते हैं, उस समय क्या करें, इसका अल्टरनेटिव क्या है। उसका भी इलाज मैंने बताया है कि अगर आपको बंद करते ही अगर बहुत विचार चलने लगें तो आपको कुछ समय के लिए फास्ट ब्रीदिंग करके अपने मन के समस्त विचारों को समाप्त करने के बाद, अपनी ऊर्जा बढ़ाने के बाद पुनः ध्यान पर बैठना चाहिए। अब मैं आपको एक डिफरेंट तरीका बता रहा हूं कि आप खुली आंख से भी ध्यान कर सकते हैं। खुली आंख वाला ध्यान किस प्रकार किया जाता है? ये त्राटक से अलग है। ये त्राटक की बात नहीं हो रही है, त्राटक भी एक टाइप से खुली आंख वाला ध्यान ही है, जिसमें आप किसी एक बिंदु पर फोकस करते हो और अपने विचारों को शांत करने का प्रयास करते हो। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये केवल त्राटक की तरह बैठकर किए जाने वाला ध्यान नहीं है। आप इसे लेट कर, चलते हुए, गाड़ी में बैठे हुए या कहीं पर भी कर सकते हो। हाँ, ड्राइविंग करते हुए नहीं। खुली आंखों से ध्यान करने के बहुत फायदे हैं। जैसे इसमें कोई समय की लिमिट नहीं है, आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा, नींद की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। तीसरा, अगर आप किसी पॉइंट पर फोकस करते हुए ध्यान करते हैं तो आपकी नज़र भी और आपकी विजन दोनों बेटर होती हैं। इसके अलावा जब आप बंद आंखों से ध्यान करते हैं तो बैकग्राउंड में बहुत सारी पिक्चर्स चलती रहती हैं जो आपके ध्यान को हमेशा भटका देती हैं। खुली आंखों से किए जाने वाले ध्यान में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती और आप अपने आसपास के वातावरण के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार की साधना अपने शिष्यों से करवाया करते थे। उनके ध्यान की विधि में एक चक्रमण ध्यान विधि भी होती थी, जिसे उनके साधक खुली आंखों से एक एरिया के आसपास घूमते हुए अपना ध्यान अपनी श्वासों पर लगाकर रखते थे। अर्थात ये ध्यान चलते फिरते ही किए जाता था और इसमें बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है। अगर आपने भी करना हो तो जरा करके देखिएगा। पहले मैं आपको बताता हूं कि खुली आंखों से ध्यान किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले कोई ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आसपास में कोई ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज ना हो, माहौल शांत और आरामदायक हो, प्रकृति के नजदीक हो सके तो सबसे उत्तम। प्रकृति जहां पर भी अपनी प्रचंड प्रचुरता में मौजूद हो, अर्थात किसी पार्क में जहां बहुत भीड़ भाड़ ना हो, किसी नदी के किनारे पर, किसी खेत या जंगल में, या अपने ही घर के किसी कमरे में आप इस ध्यान की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार ध्यान की शुरुआत हो जाए तो फिर इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले समय में, स्थान में भी कर सकते हैं। यहां तक कि बारात हो, भीड़ भाड़ हो, पार्टी हो, ऐसी स्थानों पर भी कर पाएंगे। लेकिन पहले इसकी प्रैक्टिस शांत स्थान से करें। अब आपको करना क्या है कि देख तो आप उस वस्तु को रहे हैं, लेकिन ध्यान अपने विचारों पर देना है। खुली आंखों से उसे आराम से देखते रहिए। पलक झपके ना झपके इस बात की बहुत परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम त्राटक नहीं कर रहे हैं और आप एक किसी खुली जगह पर बैठे हुए हैं। अब अपना ध्यान अपने श्वासों पर दें और देखें श्वास का आना और जाना, साथ ही साथ अपने मन के विचारों को भी देखते जाएं। मन में कोई विचार नहीं चल रहे, बस आप अपना लगातार फोकस अपने ऊपर बनाए हुए हैं, आंखें खुली हैं, दृष्टि किसी भी एक पॉइंट पर लगी है और आप ध्यान अपने ऊपर दे रहे हैं। ऐसा करके आप कुछ समय तक बैठकर देखें कि धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचार शांत होने लगते हैं। आंखें खुली हैं तो आंखों को भटकने नहीं देना, अर्थात वहां ध्यान भटकाने वाली चीज ना हो, फोकस अपने ऊपर ही बनाए रखिए। आप देख तो खुद को ही रहे हैं लेकिन
पैसिव तरीके से देख रहे हैं, मतलब डायरेक्ट खुद को नहीं देख रहे, क्योंकि डायरेक्ट देखने की कोई सुविधा नहीं है। इनडायरेक्टली आपका ध्यान अपने ही ऊपर है, लेकिन आप प्रकृति को उसके लिए एक माध्यम बना रहे हैं। आप ऐसा उगते हुए सूरज को देखकर, डूबते हुए सूरज को देखकर, आकाश के तारों को देखकर, किसी पेड़ को देखकर, या प्रकृति के किसी भी सौंदर्यपूर्ण स्थान को देखकर अपने ऊपर ध्यान लगाने का फोकस कर सकते हैं। मकसद है होश रखना अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति, अपने आप के प्रति, अपनी क्रियाकलापों के प्रति होश में रहना। यही होश की साधना भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से करवाया करते थे। अब कुछ समय तक अगर आपको बैठकर इसका अभ्यास अच्छे से होने लगे, मन कुछ शांत हो जाए, तो आप इसे चलते फिरते भी कर सकते हैं। आप चलें फिरें और साथ ही साथ अपना ध्यान अपने भीतर की शून्यता पर बनाए रखें, मन के खालीपन पर बनाए रखें। कोई विचार नहीं है, कोई भी विचार ना चलें, बस ये ध्यान रखें शरीर चल रहा है, हाथ पैरों से आप मूवमेंट भी कर रहे हैं, आंखों से सामने आने वाली चीज़ों को देख भी रहे हैं, तो भी आपका ध्यान अपने भीतर ही बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप बैठकर भी या चलते फिरते हुए भी ध्यान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इस बात का विशेष रूप से ख्याल करें कि आप ड्राइविंग करते हुए या सड़क के किनारे ये वाला ध्यान न करें, ताकि किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। अन्यथा आप किसी भी स्थान पर इस ध्यान को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ समय अगर आपको ये चलते फिरते ध्यान का अभ्यास हो जाए, तो अनुभव करें कि आपके आसपास में जो ये खुला आकाश है, यही परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा तो सृष्टि की कण कण में मौजूद है, वो आपके भीतर भी है, और प्रकृति की हर वस्तु में मौजूद है, वो हवा में भी है, वो आकाश में भी है। और जब वो हर जगह है, तो आपको अपने भीतर उसका सहज ही बोध होने लगेगा, और आप जानेंगे कि आपके आसपास में चारों तरफ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा मौजूद है, और आप भी उसी दिव्य ऊर्जा का एक अंश हैं। और ये बहुत खूबसूरत भाव होता है। मैंने घंटों बिताए हैं इस ध्यान में और खूब आनंद लूटा है, और उसके बाद मन को जो परम शांति मिलती है, उसको आप किसी शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी अंदरूनी चीज़ है। और इस ध्यान को इसके बाद आप भीड़ भाड़ में भी कर सकते हैं। आसपास में खूब चिल्लड़पाव मची हुई है, मार्केट में जा रहे हैं, खूब भीड़ भाड़ के बीच में खड़े हैं, किसी पार्टी वार्टी में भी मजबूरी में कभी जाना पड़ता है, तब भी आपका ध्यान अपने केंद्र बिंदु पर, अपने आप पर लगातार बना रह सकता है। इस प्रकार आप संसार में रहते हुए भी संसार से अलग, और अलग रहते हुए भी संसार के भीतर रह सकते हैं। जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दूलन हृदय नाम से लाए रहो दृढ़ प्रीत। मेरे सद्गुरुदेव भगवान इस प्रकार से फरमाया करते हैं कि नाम से का अर्थ यहाँ पर है कि प्रीत जो है वो अपने भीतर परमात्मा के दिव्य नाम से लगा के रखी जाए, या ध्यान अपने आप पर फोकस किया जाए, इसका अर्थ एक ही है। इस प्रकार से हम संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होने का ये सुंदर अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपने विचार जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं क्या आपने ट्राई करके देखा है कभी, कैसा लगता है, और अपने विचार जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।